कौन सर गौरव चांत्रिपाठ सर आपनो कौन कर चलते प्रधान शिक्षक कौन स्कूल रे रंगमा देउडा पीपीएस सर आपनो आउ गोटे स्कूल रे भी प्रधान शिक्षक भाव रे काम कर चलते कौन स्कूल सेटा सांडाई होता प्राथमिक विद्यालय सर आपनो दुईटा स्कूल रे काम करबा पई किसी प्रॉब्लम हो नै कि प्रॉब्लम माने समय देखि गिर से मैनेज करती एठी आज के समय देखि गिर मैनेज करती दुईटा जगह स्कूल को देखा पड़ी समतुल भाव सर आपड़ी दुटा स्कूल टाइम दे पारे दु घंटा दु घंटा दुई घंटा रे बयस बयस चाकरी जो कर सरकारी नियम तो मानवाक पड़ो आपण को सरकार तरफ स्कूल खोलने कौन सी कागज पत्र मिली कि कौन खोल मौखिक खोल पी कौन क्षति है कौ पा मरीगले आपण कौन करिवे सेठु सेटा सरकार बुझियो सरकार जो किछि देनाती वाचनिक जेतु वाचनिक रे प्रूफ कोन छ आपण पाखरे वाचनिक बोली प्रूफ कोन अछि कि प्रूफ नथिले मध्ये जदि बियो डियो ए माने जदि मेसेज करिवे मेसेज रे जदि स्कूल बारंडा रे किम्बा को कोडिया रे को गछ मुले जदि कहिबे आमे तो सरकारी चाकरिया तेन करी सरकारी नियम तो से बाचनिक भाव रे हो किंबा निर्देशनामा आसिले मध्ये तो मानिवा को बाध्य ता माने बोली तो विद्यालय बंद करि परिबे इटा सीधा सळक शिक्षक मानन को टॉर्चर तो नै टॉर्चर करा होची मोर विनम्र अनुरोध आपण मानकर थ्रो रे विद्यालय भितर हेले पाठ पढेबा दिया जाउ किंतु ए पिला माने जो दंड पाउछंती को गछ मुळे को कोडिया रे को गोरुसाळ रे का बारंडा रे सो पळे सेमानकर स्वास्थ्य प्रति मध्ये या कुप्रभाव पड़ो भावुछ कि बाध्यबाधकता बाचनिक अर्डर को लेकर आम पाठ पढ़ाऊ शिक्षक माने ही केवल दरमा पाउछंती ना अन्यान्य चाकरिया माने जो अच्छा माने दरमा पाउछंती जे शिक्षक मान को घूर्णी चक्र जो घूरी दिया जाउछ एतिक नै कि आपण कोन कहबे जेहेतु तो आम शिक्षक शिक्षा दबाटा आमरो प्रथम कर्तव्य आमर लक्ष्य हूँ छात्र छात्री को भविष्य गढ़ा सीधा साल भाव एनएच विपदग्रस्त दायी किए हम जदि भाग्य घटवार अच्छी घटव जत भल थी निजर कर्तव्य संपादन करचित भाव तो ठीक है ना मत दुईटा दायित्व दबाटा जेहेतु सरकार नियम को मानी मानवा पर एक्स्ट्रा कौन मिल दुईटा दरमा गोटे मन करके जगन्नाथपुर दिया हेलिकप्टर किण बाध्य कि कर्तव्य संपादन करने रही था कि आपणकर बयस हिसाब से आप दूर जाइपारे प्रतिदिन किलोमीटर दौड़ी पार्टी पांच सात किलोमीटर दस किलोमीटर भितर ही कैपासीटी आप अभियोग कौन अच्छी अभियोग किसी ना जिते कौन प्रधान शिक्षक देने दायित्व हस्तांतर कर मोर निज विद्यालय को पूर्ण समय देवी एट पूर्ण समय दे पाऊना यहाँ जानवाटा काठिकर पाठ वर्तमान शिक्षा आयतन उपरे आपण माने नजर पकाइले नवरंगपुर जिल्लार शिक्षा पूरापूरी भाव में तली तलांत होबाकु जाउछि शिक्षक मानंकु संपूर्ण भाव में अट्टा पेशिला भली पेशी दिया जाउछि चक्की रे तो आपण माने विश्वास करिवे कि न करिवे एक कथा अलगा जिनस आजिर समाज शिक्षक को गोटे सक्रिय भाव में धरि नहीं प्रशासन जेतेबेले जहाँ पारा ताहा करुछ बिना अनुमति रे शिक्षक माने बिना कागज पत्र रे शिक्षक माने सरकार गाइडलाइन को संपूर्ण भाव रे काट करी मौखिक उपदेश रे एटी बाध्य होउछन्ते स्कूल खोलिबा पई तो आमे आज गोराचांद सारंकर पाखरे अछु जे आमर पूज्य गुरुजी तो तांको आमे निश्चित भाव रे कथा पचारिबा जे सर आपण गोराचांद त्रिपाठी मु रंगमाटी गुडा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक संपूर्ण भाव देखा गले आपण रंगमाटी गुडार प्रधान शिक्षक नंदाहांडी ब्लॉक रे आपण कार्यरत आपण एही स्कूल रे किभली भाव रे काम करुछंती जो द्वारा कि आपणकर
अन्य स्कूल को दिया जिसे देखा देखा रखा करने तो आप कौन फिल कर खुशी लगुच असुविधा तो निश्चित रोच दुई दुईटा विद्यालय जो बर्तमान कोरोना पीरियड रे जैसे ऑफिस मैटर ऑनलाइन काम आती सब ऑफिस कम जाक आसा संपादन करने समय सापेक्ष रोच तथापि सरकार आदेश जदि मत दायित्व दि जाए तो दुईटा जाक स्कूल को समतुल भाव समान समय देक सब कार्य समापन करने आपण को लिखित आकार में दुईटा स्कूल दायित्व दि जाए लिखित आकार आपण को स्कूल खोल आदेश भी दि जाए हाँ मौखिक भाव में दि जाए अच्छा मौखिक भाव में जिते बड़े दि जाए मन करूँ आपण स्कूल टीचर कोई गोटे एक्सीडेट हो गला तो आप तार दायित्व ने निश्चित सरकार को आम ये दृष्टि आकर्षण करूँ कौन असुविधा हमें सरकार ना आप अफिसर को आप दृष्टि आकर्षण करफिसर को करूँ अफिसर सरकार ना ना सरकार तो कौन सी दायित्व नाई जे दायी नुह सरकार ना ना सरकार तो कौन सी दायित्व नाई जे दायी नुह सरकार कारण सरकार तो आप सीधा सड़क कही ना तो आपण को सीधा सड़क आपणकर बीओ कही आपणकर बड़ अफिसर जे सी कही तो वर्तमान समय रे आपण देखु आप चिंता करूँ मन करूँ गोटे शिक्षक बाटे कौन सी कारण देहांत होगा देह खराब हो गला आपड़ संपूर्ण दायित्व ने बीओ संपूर्ण दायित्व ने किए ने डिपार्टमेंट नब तो डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं कमिशनर एम भर्चुआल मीटिंग डीओ बीओ मान भर्चुआल मीटिंग जिते मौखिक भाव से यही सब दांड बारंडा क्लब गच्छ तल कि गाँ पड़िया इत्यादि खोलिकी पाने तृतीय पंचम एवं अष्टम श्रेणी को पढ़ेगा मौखिक आदेश देवर आम ऊपर उच्च कर्तृपक्ष भाविक निश्चित भाव में आदेश को आम मानिक कर्तव्य यहाँ सत कथ कि आगामी दिन कथ मुझे हटात गोटे गच्छ पड़गला गोटे पिला तार दायित्व कार डिपार्टमेंट ही धर डिपार्टमेंट लिखित आकार दे नहीं किमती हम तापर आप घूर्णी चक्कर पड़े ना नहीं केवल नंदाहां ब्लक ना सारा ओडिशा रे तो यहाँ मौखिक भाव में चलती नंदाहां ब्लक केवल अन्य विद्यालय जगपरी चलुची आप भावुचा प्रेसर बोली भावुच प्रेसर जदि खोलार विद्यालय खोल दबार पिंधारे तू जा पढ़ा सीधा साल विद्यालय चबी काटा भी तो आपको मौखिक कही ना मानु कि आपंकर किसी गोटे अच्छे आपंकर विद्यालय आप जहाँ कही पारे से जदि सरकार एसओपी मौखिक किंबा कौन एसओपी जदि जारी होना तालोले विद्यालय खोल जदि कौन असुविधा हेल्ले प्रधान शिक्षक हिंसा फिक्स कर निश्चित भाव निश्चित भाव हेले वर्तमान आपण कौन भावुंटे जे आमे कौन करवा कथा आपण गोटे अभिभावक हिसाब से कहतु आप शिक्षक नुहत वर्तमान आपण गोटे अभिभावक हिसाब से आपण पुओ पढ़ुची मोर पुओ पढ़ुची ये भावना नहीं कहूँ निश्चित भाव में आमको दुख लगुच जे ये 18 मास होगा विद्यालय बंद रही थी छात्र छात्री मैंने पथभ्रष्ट हो सारी से मैनेपरिक निज अक्षर निज नाम लिखार पासुरी गले आदिवासी बहुल अंचल विद्यालय शीघ्र विद्यालय खोलु एवं अभिभावक आमको चाप पकाऊपरी गच मूले का बारंडार कारो अगणारे ये सब पढ़ेवाटा से भल लगुना आमर चाप आमको उपर चाप आस तेणुक आम चापे अभिभावक बाध्य से बारंडार विद्यालय बास्ता एवं कौन द्वारा जड़े पूर्वतन सभापति आज दुई दुईटा स्कूल हेडमास्टर ये अच्छा आउ घूर्णी चक निजे पेशी ही जाऊँगी अभिभावक भाव से कहते सरकार विरोध में शिक्षक हिसाब से कहते सरकार सपक्ष तो आज दिन में आज समाज भितर आज शिक्षायतन भितर आज पान संस्कृति आज पाकर भविष्य कला पर्दा पड़ जाए कला पर्दा को केवल जड़े ही काढ़ीपर से हूँ शिक्षक से ही शिक्षक को कला पर्दा धरई दि जा
ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଚକରେ ଯୋଉ ଘୁରି ଦିଆଯାଉଛି ଏତିକି ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିବାର ଅଛି ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଭଲ ଥିବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଆପଣ କ'ଣ ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହା ତ ଠିକ ହେଇନାହିଁ। ମୋତେ ଦୁଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିଛି, ମାନିବା ପରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମିଳୁଛି କି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଦରମା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାଖ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ କି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଯିବା ଆଇବା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବେ? ପାଞ୍ଚ ସାତ କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିକିରି ମୋର ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେବି। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବି, ବିପଦକୁ ଟାଳି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୌଖିକ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଳି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୌଖିକ ଆଦେଶକୁ ଟାଳି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ର ଡରରେ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଥିବ ନା? ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବେ ନା? ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମୌଖିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ନା ପିଓ ଦାୟୀ ହେବେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ହେବେ? ଏଠି କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏବେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏମ୍ଡିଏମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ପଚାରିବା କଥା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପଚାରିବା ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଗତ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ବହି, ଖେଳନା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଦାୟୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ନିନ୍ଦନୀୟ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ଯାଇନି, ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କିଣା ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଣିବା ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଯାକ ଆସିଲା ଆମେ ଭାଉଚର୍ ନେଇକରି ଡିଓ ଏବଂ ସିଆର୍ସି ମାନଙ୍କର ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡିଓ ଆଉ ବିଓ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରସାଦି ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଟମାରଣା ହେଲା, ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଲା, ଆଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋର ଆନନ୍ଦରେ ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅଛି, ତାକୁ କୌଣସି ସରକାରର କିଛି ତାଗିଦ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଅପବାଦ ପାଇଲେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବନା? ଆମର ତ ଲୋକାଲ ଯଦି ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଏ ଦୋକାନରେ କିଣାଯାଇବା ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କିଣିକିରି ନିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଉପର ମହଲର ଚାପରୁ, ଉପର ମହଲରୁ ସେ ଏ ବହି ପୁସ୍ତକ ଖେଳନା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଯାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବଚନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଲାଲୁ କରକରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।